केशव कॉलिंग। हेलो। हाँ कौन? जी सर, आरके टीवी न्यूज चैनल से बात कर रही हूँ। आरके टीवी न्यूज चैनल ना, बोलो ना मैडम। जी सर, हम समाज में अभी जो वोटिंग होने वाली है हमारी, हमारे एमएलए के लिए, हमारे नेताओं के लिए, उसके लिए हम कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं कि आप लोग कैसे वोटिंग करते हैं, कैसे अपने एमएलए को चुनते हैं, तो उसके लिए कुछ जानकारी आप मुझे दे पाएंगे हमारी अब आप ईवीएम पूरी मशीन पूरी के मैं तो बारे दक्षिण में। नागरिक हूँ मैडम, दक्षिण नागरिक हूँ, तो सब पूछो आप, सब बताओ बार बार बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप तो मुझे ये दक्षिण बताइए नागरिक भी कि, हूँ मैं हाँ जी और बेकाब हाँ नागरिक जी भी हूँ मैं। देखिए, आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी जनता हमारी कैसी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे कि ईवीएम मशीन क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, ईवीएम मशीन क्यों जरूरी है? हाँ, आपके हिसाब से ईवीएम मशीन का होना ठीक है चुनाव में? ईवीएम मशीन का चुनाव में होना बिल्कुल ही गलत है मैडम। ईवीएम मशीन एकदम गलत है, क्योंकि ईवीएम मशीन से जो चुनाव कर रहे हैं ये पूरा सिस्टम ही गलत है। ऐसा क्यों सोचते हैं आप, हाँ ऐसा क्यों सोचते हैं आप? नहीं ना मैडम, ईवीएम मशीन का कोई मतलब ही नहीं ना। ईवीएम मशीन से 50 पार्टी है, उसमें से 150 पार्टियां बोल रही ईवीएम मशीन से वोटिंग मत करो, ईवीएम मशीन इतनी प्रॉब्लम हो रही, लोग चुन के भी आ रहे थे बोल रहे ईवीएम मशीन के कारण चुन के आ रहे, जो मेहनत से चुन के आ रहे उनको भी लोग डाक लग रहा है ईवीएम मशीन के कारण चुन के आए, और जो एटमोसफेयर बना ईवीएम मशीन गलत है तो बंद कर देना चाहिए ना मैडम। और भारत इतना इतना अग्रेसिव देश नहीं है कि अपना देश जो जैसे जैसे ये सब डिजिटल इंडिया बनाया, तो अपने देश से जो प्रॉपर जो बड़े देश है, चाइना बड़ा है, अमेरिका बड़ा है, उनकी एकदम वो लेवल की काम नहीं है अपने देश का। और अपना कि ईवीएम मशीन से कर सकते हैं, अपने पैसा भरपूर है और समय भी भरपूर है देश के लोगों के पास। तो आप, ये मुझे ऐसा लगता है पहले नागरिक हैं जो ईवीएम मशीन के बारे में ऐसे गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जितने भी लोगों से ऐसा पूछा उनके लिए तो ऐसा है कि ईवीएम मशीन उनके लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी रहेंगी ना, बेवकूफ है ना वो लोग। ईवीएम मशीन अगर मैडम आप कोई कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर की कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, और दिन में 12 घंटे अगर आप स्टडी कर रहे हो और आपका एग्जाम अगर ऑनलाइन हो तो आपको कैसा लगेगा? आपका लेखी एग्जाम ही होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक आमदार मैडम कम से कम 12 घंटे दिन में काम करता, ऑफिस 5 दिन पकड़ लो, 2 दिन एक दिन परिवार के लिए देता, 1 दिन ट्रैवलिंग में देता, 1,012 घंटे काम करता, कम से कम 1 दिन परिवार के लिए देता, 1 दिन फैमिली लोग ट्रैवलिंग में जाता उसका। जो आदमी 12 घंटे रोज मेहनत कर रहा है उसके जो एग्जाम 5 साल में एक बार परीक्षा एग्जाम हो रही, तो एग्जाम मेरा ऑनलाइन पेपर ऑनलाइन मत लो ना, तुम पेपर पे लो ना, बायलेट पेपर पे लो ना। तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ईवीएम मशीन में धोखाधड़ी होता है? बहुत बड़ी धोखाधड़ी वो तो हो सकती है मैडम। अब 5,000 तुम्हारे ओटीपी, 5,000 तुम्हारे मोबाइल से वो नहीं मिल सकते, वो तुम्हारा जो साइबर क्राइम या जो डिजिटल इंडिया जो बनाया उससे तुम उतने अग्रेसिव थोड़ी है जितना अग्रेसिव होना चाहिए। विदेशों में 5,000 रुपए गए तो तुम्हारे बैंक वाले तुमको फट से वापस करते हैं, क्योंकि कौन से बैंक में गए वो पट्टे पट्टे बता देंगे तुमको। अच्छा, यहाँ पर तो पांच आप हजार कहना जाने के बाद चाहते हैं कि, अगर अपने अच्छा ओटीपी दे दी, हाँ एक्सक्यूज मी, अगर साइबर क्राइम जी पेपर ओटीपी दे दिया, ये 10 लाख रुपए चले गए, 5,000 रुपए चले गए, तो मिलना ही नहीं है। तो साइबर क्राइम का ऑफिस बोले तो ये उसका साइबर क्राइम का जो ऑफिस है उसका नाम ही है मानसिक समाधान केंद्र। मानसिक ओके। समाधान केंद्र हो तो समाधान हो तो उसमें तो वो खुद ही बता देते 17% चांस नहीं है करके पैसे मिलने के। तुम्हारा बिल्कुल डिजिटल इंडिया बिल्कुल। इतना पावरफुल बनने का, अभी तुम्हें ईवीएम और ईवीएम पे मशीन पे तुम जो ले रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी बोल रही है ना मैडम लो करके, बाकी बाकी सभी पार्टियां बोल रही है मत लो करके। अच्छा, तो मतलब ये ऐसा कंफर्म है आपको कि ये जो पार्टी है ये मिली हुई है ईवीएम मशीन, उन्हीं के रूल से चलती है? नहीं, रूल से चलने का मतलब नहीं मैडम, जहाँ जनगणना बढ़ी है, जो बाकी पार्टियां बोल रही कि ईवीएम मशीन से वोटिंग मत तो नहीं लेना चाहिए, इसमें बहुत बोलने वाली बात क्या है। जब एक पार्टी जब जैसे हेलो तुम्हारे पास में सरकार है, तुम वो सरकार चला रहे, तुम्हारे मंत्री सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम्हें सबको लेके चलना चाहिए ना। हिटलर शाही ज्यादा दिन थोड़ी चलती मैडम, हिटलर शाही और कागज चिनाव बहुत अच्छा, दिन तो तक आप ऐसा चलती, कहना, बट आप ऐसा मंजिल तक कह रहे नहीं हैं जाती। कि, हाँ बोलो बिल्कुल ना, बिल्कुल, तो मैं ये आप बोल ऐसा रहा कह था रहे हैं कि हिटलर आपके शाही और हिसाब कागज से, की नाव ज्यादा दिन तक हाँ चलती है, बट मंजिल तक कभी नहीं जाती, मंजिल से पहले निकल बिल्कुल, जाती वो। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बैलेट अच्छा, तो आपके हिसाब से बैलेट पेपर का क्या कहना है फिर? पेपर इजी है मैडम, उसमें क्या है, तुम एक दो अगर ये अगर तुम अगर 20 बूथ लगा रहे तो बैलेट पेपर में तो समय लगेगा, 40 बूथ करो, 5 साल में एक ही बार परीक्षा एग्जाम एग्जाम दे रहे ना। ये 20 बूथ, 20 बूथ में अगर काम हो रहा है, उतनी ऑडियंस अगर ज्यादा हो रही है तो 20 की जगह 40 बूथ करो। 5 साल में जो काम एक बार करो कितना धूमधाम से होना चाहिए, तुम 5 साल मेहनत कर रहे ना, रात दिन एग्जाम दे रहे ना, रात दिन जन सेवा कर रहे ना, आमदार लोग, खासदार लोग, मंत्री लोग देश की सेवा कर रहे ना, जो सेवा कर रहे तो जो मेवा खाने का टाइम आएगा तो थोड़ा मेवा खाने के लिए कागज पे मेवा खाना चाहिए ना, वो मशीन को खाएंगे, मशीन में क्या समझ में आएगा, लोगों का मानसिक समाधान भी नहीं होता ना।
किसको किसको बोले ठप्पा मारे, ठप्पा दिखता, स्टैम्प दिखता, आदमी बैलेट पेपर को लपेटता, डब्बे में डालता, और कोई बहुत बड़ी प्रोसीजर थोड़ी है मैडम वो। नहीं तो आपका कहना मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि अभी तक जो जितने भी एमएलए वगैरह चुने गए हैं वो ऐसा ईवीएम मशीन के द्वारा ही उनको ऐसा लगता है आपको कैसे चुने गए हैं? तो लोगों के बारे में मालूम नहीं, हमारे जो आमदार साहब है, हम दक्षिण के आमदार साहब है, वो हिम्मत मेहनत लगन से चुन के आए, और वो आमदार साहब जो हमारे मोहन मोदी जी है, उसे नागपुर हमारे दक्षिण के नाम दक्षिण से नहीं, वो चुन के नहीं आए, हम लोगों ने चुन के लाया, पूरे नागपुर का प्रेम उनके ऊपर करके चुन के आए। हमारे नागपुर वो ही वैसे ईवीएम मशीन के कारण चुन के आए वाले लोग नहीं है। हमारे खासदार साहब जो है नितिन जी गडकरी, वो तो नागपुर के नहीं है, पूरे देश के गडकरी जी है वो, पूरे देश में कहीं भी खड़े होंगे तो चुन के आ सकते हो। तुम बैलेट पेपर में लो, ईवीएम मशीन में लो, हमारे मोहन मोदी जी तुम नागपुर के चारों छह कोंटे से खड़े करो, छह कोंटे से भी चुन के आते हो। हमारे इन नेताओं के बारे में मौका दिया जाए, अगर आपको ऐसा मौका दिया जाए कि अगर ईवीएम मशीन बंद करने का आए तो सबसे पहले आप सपोर्ट करेंगे ना? कोई सपोर्ट नहीं कर सकते मैडम, हम सामान्य नागरिक है, हमारे हमारा खर्चा इतना है कि हमको ये डॉक्टर का करने को टाइम ही नहीं है। हम आपसे फोन करके इतनी बातें बोल भी रहे, ना तो इतने जाएगा कौन और करेंगे, हमारा धंधा थोड़ी है वो। आपने जो बताया करके मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तो कोई आंदोलन फांदोलन करना, चार घंटे खाने की उम्र है क्या हमारी? हम चाहते हैं आपकी राय को सरकार तक पहुंचाना, सरकार तक सरकार को पहुंचाना, तो सरकार को पहुंचाना फायदा नहीं है ना, आरोपी उनका, मुजलिम इनका, फिरियाद इनका, पुलिस इनकी, जज उनके, वकील उनके, न्याय भी उनका चलेगा ना, पूरी पत्ती वन साइड चल रही ना, पूरा खेली वन साइड हो रहा ना। ऐसे तो आपका कहने का मतलब कि सरकार भी किसी काम की नहीं है? सरकार बहुत अच्छे काम की है, सरकार से कोई लेन देन नहीं। तुम जो अपन जो बोल रहे हो वो प्रॉपर सुनना चाहिए उन लोगों ने, ईवीएम मशीन जिस दिन से बनी उस दिन से लोग बोल रहे गलत करके। तो आप अगर आपको बोला जाए कि ईवीएम मशीन को बंद करने के लिए कोई ऐसा कुछ बोलो कि ईवीएम मशीन को बंद करवा दिया जाए, तो आप तो सहमत रहेंगे ना? सहमत की बात है, कॉमन सेंस है मैडम। एक लड़का अगर 5 साल अगर पढ़ रहा और 12-13 घंटे रोज अभ्यास कर रहा, तो उसका जो एग्जाम होना चाहिए तो एग्जाम ऑन पेपर ही होना चाहिए ना। आप अगर 5 साल तक मेहनत कर रहे, आमदार 5 साल मेहनत कर रहा, खासदार 5 साल मेहनत कर रहा, तो या फिर नगर सेवक 5 साल मेहनत कर रहा, तो उसका एग्जाम ऑनलाइन क्या कर रहे, तो पेपर भी लो ना, कॉमन सेंस है ना। ये कॉमन सेंस की बात है ना मैडम, तो बोलते ना कॉमन सेंस इन अनकॉमन इन कॉमन पीपल, ये कॉमन पीपल को भी कॉमन सेंस नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब नहीं, मतलब आपकी राय ये है कि ईवीएम मशीन कुछ नहीं बस धोखा कर रही है? धोखा कर रही है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर भ्रष्टाचार कर रही है, आरोप कर रही है, क्या कर रही है उनका उनका लुकआउट है। बट ईवीएम मशीन का जो अपना देश अपना ईवीएम मशीन का जो तुम ये ले रहे जो वोटिंग ले रहे, वो मेरे को मैडम वो सुटेबल नहीं लग रहा मेरे हिसाब से। मैं अपनी खुद की राय बता रहा हूँ, और तुम जो कुछ कुछ काम जो कर रहे, अभी एक अभी पहले एक वार्ड था, अभी 2 वार्ड किए, फिर 3 वार्ड किए, 4 वार्ड किए, 4 वार्ड का चार चार नगर से वार्ड का तुमने एक चार लोगों का एक वार्ड बनाया, ये भी तुम्हारा सिस्टम पूरा गलत है। वार्ड का नगर सेवक बोले तो फैमिली मेंबर है एक वार्ड का, तो वार्ड ही तुमने 4 बना दिए, तो आधा नागपुर उसी में वो एक आदमी अपनी इलेक्शन लड़ेगा कैसे? एक आदमी वार्ड का रहता, वार्ड का इलेक्शन कैसा रहता, जो वार्ड का जो नगर सेवक रहता वो वार्ड का मालक रहता या राजा उनका फैमिली मेंबर रहता, तुमने 4 का वार्ड बना दिए, वहां भी तुमने पूरा सिस्टम खराब कर दिया। लेकिन मजदूरों के लिए या जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए तो ईवीएम बहुत अच्छा साधन है। ईवीएम सबसे बेवकूफ साधन है उनके लिए, जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए क्या क्या है? जो पढ़े लिखे जो अनपढ़ गवार आदमी, उसको वोट मारता, पंजा को मारता, कमल को मारता, दिखता उसको बेचारे को, पढ़े लिखे अनपढ़ गवार का क्या काम है? वहां तुम्हारे दो लेक्चर स्टॉप रखो वहाँ पे, तुम्हारे लोग रखो वहाँ पे, फायदा उठाया जा रहा है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा, पूरा सिस्टम गलत चला जा रहा है। ईवीएम मशीन बंद करो मैडम, वो ईवीएम मशीन जो है इसमें वो प्रॉपर बैटिंग हो ही नहीं रही। ओके और नगर सेवक का जो बताया मैं आपको, नगर सेवक बोलते नगर का राजा था, अभी तुमने राजा को ये बना दिया, 4 का वार्ड बना के पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया। अभी वो 4 का वार्ड इतना बड़ा वार्ड हो गया कि नगर सेवक चुनकाने के लिए 1 करोड़ रुपए लगते, छोटे बड़े नेता खत्म हो गए उसके कारण। अच्छा दोबारा बैलेट पेपर अगर जारी किया जाए तो आप खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। ठीक है चलिए, ठीक है केशव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो देश वो चला रहे हो जिसमें मुस्लिम वाले, उनको बोलो हिटलर सही बंद करे करके, जो पुराना सिस्टम उसी पे लो, मैं अकेला आदमी नहीं हूँ, बाकी सब बाकी पूरी पार्टियों के तुम बड़े बड़े नेताओं को फोन लगाओ, सब नेता लोग यही बोलेंगे, 50 पार्टियों की तो 50 पार्टियां बोल रही बैलेट पेपर में इलेक्शन वोटिंग करो करके, एक ही पार्टी बोल रही ईवीएम मशीन चलाओ करके। बिल्कुल सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। नहीं पहुंचा चलेगा, मैं अपनी दिल्ली भाड़ा से कर रहा हूं मैडम लेने के लिए। क्या बोले? हम और भी लोगों की राय लेंगे
जो ईवीएम मशीन के बारे में जो भी सोचते हैं, जो हमें बताना चाहते हैं, सारी बातें हम सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे ताकि अगले इलेक्शन में ईमानदार नेता खड़ा हो सके। ईमानदारी नेता खड़े या बेईमान नेता खड़े हो, तुम ये चार लोगों पुस्तक को मेरे को पूछ लो कितना पूछना है, तो ईवीएम मशीन के बारे में पूरा बता दिया मैंने आपको, यही यही जो मैंने बात किया पॉइंट लिख के भेजना पड़े नेताओं को। लेकिन सभी का ईवीएम मशीन को लेकर बहुत अलग अलग जवाब हमको मिल रहा है। ऐसा है कि हमने बहुत लोगों से ईवीएम मशीन के बारे में पूछा और सबने तारीफ ही की है कि ये बहुत अच्छा है, खासकर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है ये। बरोबर। हाँ, तो अभी मेरे को आपकी बातों से ऐसा लगा कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनका तो फिर फायदा उठाया जा रहा है इस तरीके से। फायदा उठाया जा रहा नहीं जा रहा मैडम, बैलेट पेपर एकदम प्रॉपर वेटिंग थी, प्रॉपर वो प्रॉपर काम था। अभी ये डिजिटल इंडिया उतना हुआ नहीं है तो, और तुम जो डिजिटल काम करे इतने अग्रेसिव हुए नहीं है जितना होना चाहिए। पर 10 रुपए मिलने जाने का तो 10 रुपए नहीं मिलते, पर साइबर क्राइम का जो सिस्टम है इतना पावरफुल सिस्टम है नहीं जितना तुम लोग समझ रहे। तुम्हारे खाते से तो कोई 10 रुपए लगता है कि ईवीएम मशीन केशव जी हैक हो सकती है? वो क्या उतना डीप नहीं मालूम मैडम, पर मेरे को इतना मालूम है कि जो आदमी, जो लड़का और लड़की, जो नेता 10-12 घंटे स्टडी कर रहा, जो मेहनत कर रहा, उसका एग्जाम होना चाहिए, बैलेट पेपर पर भी होना चाहिए, ना कि ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि नगर सेवक हो गए, आमदार हो गए, खासदार हो गए, उनका इंटरव्यू देखा जाए तो एग्जाम ही है, इलेक्शन बोले तो जान है उनकी, जिंदगी बदल सकती है, पलट सकती है, जो भी है। तो इतना बड़ा खेल आप मशीन के सहारे नहीं खेल सकते, वो बैलेट पेपर के सहारे खेलना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी उस पर डिपेंड करती है। जो 5 साल मेहनत करके घसते हैं और जब इलेक्शन का समय आता तो बैलेट पेपर पर ही होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ न्याय हो, वो गिरे पड़े बेचारे जो वोट मिलते हैं उनको प्रॉपर दिखना चाहिए। ओके, अगर ये ईवीएम मशीन बंद नहीं हुई तो आप वोटिंग नहीं करेंगे क्या? नहीं, हम तो मजबूर है, मजदूर है, हम तो बेकाम है, हम तो मंदबुद्धि लोग है, हम तो जनता है, हमको तो मानना ही पड़ेगा। बाकी आपके हिसाब से तो ईवीएम बंद होना चाहिए? ईवीएम बंद होना चाहिए, और नहीं भी होंगे तो वोटिंग को जाएंगे, ईवीएम मशीन पर भी वोटिंग करेंगे, क्योंकि हम मंदबुद्धि है, हम बोले तो हमको दिमाग ही नहीं, और दिमाग है तो हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि सब सब तुम्हारे 52 पत्ते तुम्हारे हाथ में, हमारे हाथ में क्या है, 2 जोकरों एक पूरा पत्ता, हम साधारण नागरिक क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ जुआ देख सकते कौन हरा कौन जीता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं केशव जी, पूरे 27 तुम्हारे हाथ में ना, 52 पत्ते तुम्हारे हाथ में, 3 पत्ते हमारे हाथ में दिए, 2 जोकरों एक पूरा पत्ता, हम क्या करेंगे वो जुए का, हम सिर्फ जुआ देख सकते कौन जीता कौन हारा, दूसरे दिन बात नहीं बता सकते ये हारा है वो जीता, हमारे हाथ में क्या है। बिल्कुल। चले ठीक है केशव जी, अपना समय देने के लिए आपसे फिर समय नहीं, पूरी भड़ास निकाला मैंने, थैंक यू, आई लव यू, बाय बाय बाय।